8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बदलेंगे नियम। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 5 अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इनकार करने के बाद खड़ी हुई मुश्किल को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग का राजस्व विभाग के साथ पत्राचार जारी है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाने की संभावना भी है। मल्टीटास्क वर्करों के 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में मसाले, बासमती चावल और साबुन बाजार मूल्य की तुलना में 15% सस्ते मिलेंगे। निदेशक मंडल की बैठक में इन वस्तुओं की डिपो में बेचने की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य पूर्ति निगम ने 4 कंपनियां तय कर ली हैं। इन कंपनियों को अब सप्लाई ऑर्डर जारी होना है। दिसंबर से उपभोक्ताओं को डिपो में ये सुविधा मिल सकती है। प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी पर दिया जा रहा है। अब सरकार इन रोजमर्रा की वस्तुओं को भी उपलब्ध करवाने जा रही है। साबुन, मसाले और बासमती चावल भी नामी कंपनी के होंगे। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 592 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने चुनाव आचार संहिता हटते ही राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी करने की संस्तुति भेज दी है। इसके तहत 555 असिस्टेंट प्रोफेसरों, 25 प्रिंसिपलों और संस्कृत कॉलेजों में 12 आचार्य के पद भरने की सिफारिश की गई है। अब आयोग जल्द भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कुछ महीने पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 4000 पद भरने का फैसला लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JBT कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लगने से पूर्व ही शुरू कर दी थी। कॉलेजों में की जाने वाली भर्ती के लिए नियम बनाने का कार्य जारी था। इसी बीच चुनावों की घोषणा होने से मामला लटक गया। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षा विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को नए साल जनवरी महीने में स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अस्पताल को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। केंद्र सरकार की ओर से अगले महीने दिसंबर से मशीनरी और अन्य उपकरण भेजने की बात कही है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से 10 सुपर स्पेशलिटी विभाग चमियाना शिफ्ट होंगे। इनमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, CTBS, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी आदि शामिल है। सरकार ने अस्पताल के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती शुरू कर दी है। ये भर्ती कमीशन के माध्यम से होगी। मुख्य सचिव राम सुवक सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर फीडबैक दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप दिवाली के बाद नई दिल्ली जाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और संगठन महामंत्री पवन राणा से भी नई दिल्ली में हार का हिसाब लिया जा सकता है। हार पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन करेगा। उपचुनाव में 4 सीटें हारने के बाद भाजपा नई दिल्ली में संबंध में समीक्षा करेगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में 4 सीटें गंवाने के बाद अब प्रदेश भाजपा हार पर मंथन करेगी। ये नई दिल्ली में होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। पांचवी कक्षा की 100 मेधावियों को मिलेगी 48,000 से 72,000 रुपए की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के 100 मेधावी विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक सालाना 48,000 से 72,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना अधिसूचित कर दी है। 6ठी कक्षा में होने पर विद्यार्थियों को प्रतिमाह 4,000, 7वीं कक्षा में प्रतिमाह 5,000 और 8वीं कक्षा में होने पर प्रतिमाह 6,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकारी स्कूलों में लगातार पढ़ाई करने और 5वीं कक्षा में 75% हाजिरी पूरी करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों का चयन SEIRT सोलन की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर होगा। विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि दिवाली की खुशियों में किसी तरह का खलल न पड़े। DC शिमला आदित्य नेगी ने लोगों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि शहर में लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं।
उन्होंने लोगों को सुरक्षित दिवाली मनाने का आह्वान किया। पटाखे जलाते समय बरतें ये सावधानी, दो या तीन व्यक्ति मिलकर पटाखे चलाएं ताकि हादसे की स्थिति में दूसरे की मदद हो सके। मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती सही पटाखों को उचित दूरी पर रखकर जलाएं। बड़ों की देखरेख में पटाखों को जलाएं। घर के बाहर खुले में मनाएं दिवाली। पुराने शहर में खास सावधानी बरतें। पार्किंग वाहनों के पास बम न फोड़ें। अस्पतालों से दूरी बनाकर पटाखे फोड़ें। पटाखों को सड़क पर या फिर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर ना जलाएं। जलाने के बाद अगर पटाखा ना जले तो उस पर पानी डाल दें। पटाखों के भंडारण को पटाखे जलाने के स्थान के पास ना रखें। छोटे बच्चों को स्वयं पटाखे जलाने न दें। HRTC में दिवाली के बाद नए कंडक्टर शामिल होंगे। 5 नवंबर को आचार संहिता हटने के बाद 565 नए कंडक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंडक्टर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन आयोग से रिकमेंडेशन आते ही HRTC नए कंडक्टरों को नियुक्त कर देगा। कंडक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कंडक्टरों की नियुक्तियों के लिए HRTC आयोग की अनुशंसा के इंतजार में है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रिजल्ट तो घोषित कर दिया, लेकिन उम्मीदवारों की अनुशंसा अभी HRTC को नहीं भेजी गई है। ऐसे में HRTC की अनुशंसा मिलने के बाद ही HRTC में नए कंडक्टरों की नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम करीब 5.82 रुपए कम हो गए हैं। वहीं डीजल के दाम 11.45 रुपए कम हुए हैं। गुरुवार को नए दाम लागू हो गए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 101.65 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि अभी भी दाम 100 रुपए से ऊपर ही है, बल्कि डीजल के दाम 86.20 रुपए प्रति लीटर है। जबकि शिमला में बुधवार को पेट्रोल के दाम करीब 107.49 रुपए और डीजल 97.48 रुपए प्रति लीटर रहे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी आएगी। वहीं CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का सराहनीय निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर और सीनियर मेडिकल अफसर के पद के लिए भर्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। PGIE MER में चंडीगढ़ में लगभग 93 रिक्त पद हैं। पात्र और योग्यता धारक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि आवश्यकता योग्यता वाले इच्छुक उम्मीदवार PGIME भर्ती 2021 के लिए अंतिम तिथि तक या फिर उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। PGIME की आधिकारिक वेबसाइट PGIME.edu.in पर जाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।